हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना और आप जुड़ चुके हैं जेके जॉब्स अपडेट चैनल के साथ। सो मैं आपको बता दूं, कल रात को ही मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो वीडियो अपलोड की थी, जो मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो जेके एसएसबी यूनियन असिस्टेंट या जेके हाई कोर्ट यूनियन असिस्टेंट या स्कीम्स यूनियन असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जा सकते थे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मुझे बहुत ही कम समय में वहां से मिला। इवन मेरे को वहां पे कमेंट सेक्शन में भी काफी कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप सेकेंड पार्ट बनाइए इसका। बिकॉज वो जो क्वेश्चन थे, मैंने 19 से 20 क्वेश्चन की जो पहला वीडियो बनाया था, बिकॉज जे एंड के में जिस तरह आप जानते हैं 2G स्पीड में कम ज्यादा से ज्यादा लंबी वीडियो को हम कंप्रेस कर भी अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। सो आप सबके लिए सेकंड पार्ट है जो मैं यहाँ पे अभी बनाने जा रहा हूँ मॉर्निंग में अपने ऑफिस से पहले। सो ध्यान से देखें और जिसने व्यूअर्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे। इन फ्यूचर के जितने नोटिफिकेशन वीडियोज यहाँ पे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन जो है वेल इन टाइम आप तक पहुंच सके। सो बढ़ते वीडियो को लंबा ना करते हुए, सो क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे सो वो आप मेरी वीडियो के पहली वाली वीडियो में पार्ट वन में देख सकते हैं। सो फर्दर हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मेरे 50 का गेस है वो किस तरह चलेगा। सो जी हाँ, हमने 19 क्वेश्चन तक किए थे, 20वें क्वेश्चन की बारी है। सो फाइंड आउट द आउटपुट डिवाइसेज। जी हाँ बिल्कुल, आपने जो चार डिवाइसेज आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे हमें दोनों तरफ में जो है आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पे मैंने इनपुट डिवाइस के लिए कहा था। सो मैं आपको बता दूं यहां पे मैंने तीन आउटपुट रखे थे और एक इनपुट रखा था, ठीक है जी। सो आउटपुट डिवाइसेज आप देख सकते हैं, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। और जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेज यहां पे मैंने फाइंड आउट करने के लिए बताया गया, क्योंकि ताकि आप लोगों को जो है वो आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पता चल सके। देखिए यहां पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, तीन चार आउटपुट डिवाइसेस तो आपके सामने आ ही गए हैं। सो टोटल जो है आप देख सकते हैं पांच ही हमारे पास आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आप जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप आउटपुट डिवाइस ही पढ़ के जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिर्फ आउटपुट डिवाइस आपको पता है कि वो पांच आउटपुट डिवाइस है, उसको छोड़ के जितने भी हैं वो इनपुट में कंसिडर किए जाते हैं। सो फर्दर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आगे, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर मॉनिटर रहेगा। सो आगे बात करते हैं, डैश एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी गया है कि क्या एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर और हार्डवेयर। सो तो जी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं ऐसे नेचुरली जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ लेमैन के लिए। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में एंड्रॉइड रहता है, iOS रहता है, उसी तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सो ये हमारा जो है इंटरफेस करवाता है यूजर को हार्डवेयर के साथ। सो अगले क्वेश्चन में भरते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। सो फर्दर अगले क्वेश्चन में भरते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सो इसके एक्सटेंशन आप देख सकते हैं .acbd एक्सटेंशन जो है वो एमएस एक्सेल की है। और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, बिल्कुल जी .exe इज द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल एंड एमएस वर्ड की फाइल। जी हाँ, एमएस ऑफिस की जो अंदर कंटेंट है, पार्ट्स हैं उसके, उसकी जो एक्सटेंशन है बहुत बार पूछी गई है, वहां से शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा आती है। सो फर्दर देख लो आप कि जो पीपीटी की है वो है .ppt, और अभी एडवांस वर्जन में .ppt x भी है, और डॉक्यूमेंट्स वर्ड में है .docs, और नए एडवांस वर्जन में .docsx भी है। सो फर्दर बात करते हैं सिक्योरिटी की, माफ कीजिए शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन है जो वो है तो बहुत इजी, बट ये क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है एक नंबर का यहाँ पे किसी भी कंपेरेटिव में। सो कंट्रोल प्लस पी इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट और वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट देयर। सो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी जिस एस्पिरेंट ने पहले से एग्जाम दे रखा है तो काफी बार ये क्वेश्चन है जो आजकल सीबीटी सेक्शन चल रही है तो हर सेक्शन में क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाइफरगेट होते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत सी सेक्शन में आने वाला है, सीबीटी में भी, इवन जेके हाईकोर्ट में भी। सो ये कंट्रोल प्लस एस जो है वो इसकी शॉर्टकट की रहेगी। सो फर्दर बात करते हैं, जी हाँ यहाँ पे जो है इंटरनेट और ईमेल से जो क्वेश्चन है यहाँ से जो पुट आउट हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ से एक वैलिड ईमेल आईडी जो है वो ढूंढनी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैलिड ईमेल आईडी जो रहेगी वो रहेगी आपकी डी, जो आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली भी ही होगी। और सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड्स से जे की जो है अल्फाबेट्स की बनी हुई है, सागर रैना @gmail.com पूरा जो है पैटर्न एज पर कंटेंट एंड जितने भी रूल्स हैं जे
इंटरनेट ईमेल के, तो उसको वो जे पूरे फॉलो कर रहा है। सो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी एंड आईपी, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट टीसीपी की फुल फॉर्म जो कभी कभी पूछी जाती है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये फुल फॉर्म रहती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। टीसीपी हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो फर्दर अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? आप सब जानते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इसको घुमा फिरा के बोला जाता है, वेब वाइड वेब इस तरह से करके घुमाया जाता है, ताकि जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो सके, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो गलत भी कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो फुल फॉर्म रहती है, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बात करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन DNS से लिए गए हैं। सो आगे बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो है इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, बिकॉज बहुत सी सेक्शंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस इन्होंने कवर करने हैं बहुत सेक्शंस में। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? जी हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सो इसकी फुल फॉर्म रहेगी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन जो है अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो इसकी फुल फॉर्म है। आगे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIFO? जी हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैंडेटरी नहीं है, मैं साथ में ही लिख लिया है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, बिकॉज क्या पता JKSSB या हाई कोर्ट या स्कीम्स जो है इस क्वेश्चन को पुट कर ले। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM? जो आप देख सकते हैं रीड ओनली मेमरी इसकी फुल फॉर्म है। फर्दर बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द ओपनिंग टैब इवन शट डाउन द कंप्यूटर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया है, जो मेरे रिसेंटली खुद के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है Alt+F4। सो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विंडोज इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? जी हाँ, बिल्कुल, जो आप कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या अपने मोबाइल फोन ही आप मान लीजिए इसको चलाते हैं, जो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की तीन टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ज्यादा बता नहीं सकता टाइमली इतना डीपली, बट अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट या कंप्यूटर के किसी कंसेप्ट को डीप से पढ़ना है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के जो है वो आप इस चैनल में डाल दूंगा। सो मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं। सो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स कंसेप्ट? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे जो पूछा जा सकता है। सो जो मैं आपको बता दूं, फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स का जो है वो यूज किया गया है। सो आगे क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं। जी हाँ, आगे जो क्वेश्चंस हैं मेरे वायरसेस में हैं। सो फर्दर अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को मैं जो है वो वीडियो बना दूंगा इस पे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर किसी को जो है वायरसेस और एंटी वायरसेस के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, बिकॉज 10 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से मेरे अकाउंट असिस्टेंट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पुट आउट हुए थे। सो फर्दर चैनल के साथ बने रहे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे, इसलिए मैं ज्यादा उसको अभी कवर नहीं कर सकता। डेफिनेटली पार्ट थर्ड में मैं जो इसको कवर कर लूंगा, और मेरे 50 क्वेश्चन हैं जो वो पार्ट थर्ड में जो है कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि पार्ट थर्ड की जॉब की कोई भी नोटिफिकेशन, इस पर वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।